हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं जो टोयोटा की इनोवा पे होने वाली है, जिसे हम लोग फुल रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। पूरी गाड़ी फुल डेंट पेंट होगी यहाँ पे, और गाड़ी जो है आगे से थोड़ी सी जो है लड़ गई थी, तो जिसकी वजह से आगे का ये फ्रेम है थोड़ा सा अंदर हो गया था, तो जिसको हम लोग जो है चैन पुली से जो है थोड़ा सा खींच के बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 उंगल जो है अंदर था, तो ज़्यादा इतना ज़्यादा डैमेज नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है हम उसको खींच के बराबर से बाहर कर देंगे। जिस लेवल पे था ये वहीं पे आ जाएगा बराबर से। रेगुलेटर पाइप काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, तो यहाँ पे जो है गैप भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, इसकी वजह से इसको हमने एक साइड से खींच के, दोनों साइड से खींचेंगे इसको ताकि एक जैसी बराबर रहे, क्योंकि बोनट जो है लॉक होता है बोनट का, तो फिर अगर ज़्यादा खींच देंगे तो लॉक नहीं बंद होगा, हमको उसको भी देखना है। और बोनट और इसका बम्पर हम लोग चेंज करेंगे, ग्रिल चेंज करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से इसको हम लोग खींचते हैं, इसको बांध के इसमें, क्योंकि इसी तरह से कोई जो है ऐसे आसानी से नहीं खींचता है ये, क्योंकि जो ऐड जाता है तो उसकी वजह से इसको खींच के, और जहाँ पे जो रील पड़ जाती है तो उसको भी खींच के बांधते हैं। इस साइड से आप देख सकते हैं कितना गैप हो गया है, इधर देख सकते हैं कितना गैप है, रेगुलेटर में देख सकते हैं एक उंगली जा रही है, इधर काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है इसमें, तो इस साइड से भी हम इसको खींचेंगे ताकि दोनों साइड से एकदम बराबर आ जाए। बोनट ये देख सकते हैं, इसका बोनट सही है लेकिन यहाँ साइडों से थोड़ा टूट गया, ये नहीं, हम लोग ने सेकेंड हैंड बोनट इस पर यूज़ किया है, ठीक ठाक है इसका, थोड़ा बहुत तो स्क्रेचेस आ ही जाते हैं। बाकी बम्पर भी इसका हम लोग ने यही कि सेकेंड हैंड यूज़ किया है। ये गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं कि ढक्कन भी काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया, नीचे डेंट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है, इसकी वजह से जो है दरवाजे हम लोग खोल लेंगे इसके ताकि डेंटिंग प्रॉपर हो जाए यहाँ पे। अब इस तरह से हमारा डेंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दरवाजे खोल लेंगे तो नीचे की डेंटिंग आसानी से हो जाती है, और बंदे बंदे जो है इस तरीके से स्लिप से नहीं हो पाती है। यहाँ भी इसी तरह से मिडगार्ड में जो डेंट्स पड़ गया था, तो उसको भी इसी तरह से हम लोग डेंटिंग करेंगे बराबर से, क्योंकि आप देख सकते हैं। देख सकते हैं ढक्कन बाज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है सब पैकिंग दी हुई होती है, इस वजह से जो है अंदर ज़्यादा हाथ नहीं जा पाता है, चाहते हैं अंदर डैमेज भी ना हो और डेंटिंग भी अपनी हो जाए प्रॉपर से। अगले मेडगार्ड में भी थोड़े बहुत डेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा डेंट्स पड़ गया था मेडगार्ड में। अगला मेडगार्ड तो जो है खुला रहता है, तो उसकी वजह से इसमें आसानी से डेंटिंग हो जाती है, फंडल लैंडिंग हटा के आराम से आप डेंटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, पीछे में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, काफ़ी फिटिंग खोलनी पड़ती है, और जो है नीचे से जो है साइड भी खोलना पड़ जाती है। बाकी अगले मेडगार्डों में जो है काफ़ी ज़्यादा ईजीली हो जाता है। दरवाजे में देख सकते हैं इसी तरह से छोटे छोटे लंबे से डेंट्स पड़ गए हैं, तो इनको भी हम लोग बराबर से डेंटिंग कर देंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंटिंग हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो डेंटिंग का काम है वो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। से बनाना पड़ता है। अगर बाद में भी कोई ऐप आते हैं तो वहाँ पे हम लोग बॉडी फ्लर का फिर यूज़ करते हैं। एक बार भरने से भी नहीं होता है, अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो दोबारा भी हम बॉडी फ्लर का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इधर बॉडी फ्लर यहाँ पे भर गया है हमारा। नीचे की साइड का बॉडी फ्लर भरना बाकी है, वो भी हमारा काम चल रहा है प्रोसेस। जो बड़े बड़े निशान हैं जो रेती के निशान होते हैं तो उसको छुपाने के लिए जो है बॉडी फ्लर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है थोड़ा। बाकी सब सैंड करके निकाल देते हैं, हालांकि जितनी ज़रूरत होती है वहाँ पे नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमने वीडियो में भी बताया है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं कि कलर चेंज की भी आपको वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी होंडा सिटी की। धार खोर जो डैमेज हो जाती है तो उसको भी हम लोग बॉडी फ्लेयर से ही यूज़ करके बनाते हैं। वहाँ पे बॉडी फ्लेयर का यूज़ करके ही धार को ही बनाते हैं हम लोग, बराबर करते हैं। धार अगर डैमेज हो जाती है तो डेंटिंग से उस तरीके की धार नहीं बन पाती है, इसके वजह से हम लोग वहाँ पे बॉडी फ्लेयर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडिंग का काम हमारा शुरू हो चुका है। हम लोग बराबर से इसको सैंडिंग करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी सिर्फ उतना ही रोकेंगे, बाकी सब काट के सैंड कर देंगे पूरा। सैंडिंग
करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसमें हम लोग जो हार्डन मिला के भरते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। नाखून से भी उखाड़ेंगे तो आप नहीं उखड़ेगा ये, कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस वजह से 80 नंबर रेगमाल से हम लोग को इसको काटना पड़ता है, महीन पेपर से नहीं कटता ये जल्दी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारा बॉडी फ्लर ऑलमोस्ट सैंडिंग हो गया है पूरा इधर से। इधर देख सकते हैं किस तरह से बन गई इसकी, जितना ज़रूरत है देख सकते हैं उतना ही इसमें रोका गया है, बाकी सब सैंड करके निकाल दिया गया है। मिर्गाट की भी धार होती है, वो भी यहाँ पर बनी हुई पूरी इसी तरह से। इधर भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सैंड हो गया, सब पूरी साइड इधर भी सैंड हो गई है, जितनी ज़रूरत है उतना ही रोका गया है। यहाँ पर पुटीन भी हमारे भाई में काम शुरू हो चुका है। अभी जो हैवी स्क्रेचेस आ जाते हैं, जो छोटे छोटे से एब्स होते हैं, तो उनको बॉडी फ्लर से नहीं पुटीन से भी कवर हो जाते हैं। वहाँ पे हम लोग उसको पुटीन चढ़ा देते हैं, क्योंकि पेंट होता है जो मारते हैं डायरेक्टली, नहीं कवरिंग कर पाता है बॉडी फ्लर पे। सिल्वर कलर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐप भी आते हैं, स्क्रेचेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारी पुटीन पूरी भर चुकी है, ऑलमोस्ट सैंडिंग भी हो गई है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर प्राइमर का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। दो कोट इस पर प्राइमर हम लोग ऑलमोस्ट करेंगे इस पर। दो कोट के बाद इस पर हम लोग जो है जो निशान आते हैं, जो पुटीन चेक होती है, वो हम लोग इस पर चेक करेंगे। फिर चेक करके उसको सैंड कर देंगे, फिर पेंट का एप्लीकेशन इसके ऊपर करेंगे हम लोग। प्राइमर का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पेंट जो होता है वो अच्छे से बाउंड कर जाए इस पर। बाकी गाड़ी पे हम लोग दो कोट से तीन कोट भी करते हैं, जैसा पेंट कवरिंग होती है जिस हिसाब से। कुछ पेंटों में जो है कवरिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है, कुछ में कवरिंग बहुत अच्छी होती है, तो दो कोट में भी बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन तीन कोट हम लोग फिर भी कर देते हैं। बाकी इनोवा पर जो कलर आया है ये 1D6 है, वो RC पे आपको कोट दिख जाएगा, वहाँ से आप कोट जो है रंग बनवा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्लियर कोट का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। क्लियर कोट की वीडियो हम आपको बहुत कम दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं करी थी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से जो हमने क्लियर कोट की वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर दी थी। बाकी हर वीडियो में हम तो आपको क्लियर कोट का दिखाई देते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सभी वीडियो में आपको क्लियर कोट का एप्लीकेशन मिल जाएगा वहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का हमारा कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे फाइनली लुक बहुत ज़्यादा इमेजिंग आया है, गाड़ी पर स्टिकर का काम हुआ है हमारे, और निकल जो लगी है जितनी निकल का पूरा काम हुआ ऑलमोस्ट। गाड़ी का लुक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, निकल और स्टिकर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसके, गाड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तब तक के मिलते हैं फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।